Hello my dear students, very good evening and how are you all? Welcome to your own channel Let's Crack SSC Exams। आप सबका आपके अपने चैनल Let's Crack SSC Exams पे स्वागत है। बच्चों जल्दी से लाइव आ जाओ, शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं डॉक्टर अमित सिसोदिया आप सबको यहाँ वेलकम करता हूँ। सो गाइज कम एज फास्ट एज पॉसिबल, बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन एंड व्हाट वी हैव टुडे टू गो। तो पहले मैं आपको मिलवा दूं अपनी टीम से। गरिमा सिंह गुड इवनिंग, सुधीर रॉय हेलो बेटा सुधीर कैसे हैं, गरिमा कैसे हैं। तो गाइज मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ टीम से एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट द टॉपिक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुधीर, आप बताएं आप कैसे हैं। और गाइज बिल्कुल घर पे बने रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, ठीक है। बाहर कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अनंत गिरी गुड इवनिंग अनंत, सो कम बेटा। सो गाइज ये हमारी पूरी टीम है, आप सब मिल सकते हैं सारे फैकल्टी जिनसे आप डेली लाइव पढ़ते हो, यूट्यूब पे पढ़ते हो और अपने कोर्सेज में पढ़ते हो। सो दे ऑल आर डूइंग देयर बेस्ट कि आपका जल्दी से सिलेक्शन हो। दे आर ट्राइंग टू मेंटेन देयर कंटेंट कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिले। सो वी ऑल आर डूइंग द बेस्ट, ओके। तौसिफ अनवर कैसे हैं तौसिफ। सो गाइज आज का हमारा सेशन है प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन एंड एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है और आप जानते हैं कि मैं यहाँ डेली आपसे प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और एनालिसिस कराता हूँ। तो बच्चों आज मैं बता दूँ व्हाट वी हैव टुडे टू गो। गाइज आज जो हमारे पास पेपर है वो कौन सा वाला है, वो पेपर है बेटा 13 जून का हमारे पास एग्जाम है, ठीक है। और बेटा 2019 में ये पेपर हुआ था, ठीक। और कौन सी शिफ्ट है बेटा आज हमारे पास डिस्कशन के लिए है, इट इज योर थर्ड शिफ्ट, ठीक है। सो बच्चों आप ये सारे के सारे पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं। टुडे वी हैव द लास्ट पेपर टू गो। आज ये लास्ट पेपर है इस सीक्वेंस का। तो कल मैं आपको कराने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों कल का मैं आपको बता दूं, बाद में भी याद दिलवा देंगे। एक टॉपिक होता है ना यूजेस ऑफ मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स और वर्ड्स, जैसे कहते हैं ना इफेक्ट और एफेक्ट कहाँ आती हैं, समझ गए। तो कल ऐसे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो कल का टॉपिक मैं आपको अभी बता देता हूँ, आज शुरू करते हैं। सो गाइज ये मेरे बारे में आप जान लो, मेरे क्रेडेंशियल्स क्या हैं। बेटा मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया और मैंने पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में। आई हैव मोर देन 11 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस। और एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, डिफेंस, बैंकिंग, इन सारी कैटेगरीज में मैं बेटा अलग अलग इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। ओके प्रतीक कैसे हैं एंड शबनम कुमारी कैसे हैं साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब बिल्कुल ठीक है ना। मेंस का करा दीजिए। सो अनंत गिरी हम ऐसा करते हैं, इसको खत्म करके ना नेक्स्ट वीक से मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो गाइज ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक से मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर दें, ओके। सो आ जाओ बच्चों, देखो ये हमारी टेलीग्राम ऐप है। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो बेटा इसको डाउनलोड कर लो। इससे आपको सारे क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम पे, ओके। सो अपार्ट दैट गाइज लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम ये आपके लिए मैं आपको बताऊं क्या है। ये आपका बेटा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस। इस प्लस प्लेटफॉर्म पर बेटा मैं और मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, तो आपको मौका मिलता है इतने सारे रिनाउंड और वेल नोन एजुकेटर्स से पढ़ने का। वो सारे एजुकेटर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वहाँ जो आपको कंटेंट देंगे बेटा वो कंटेंट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। सो गाइज बिल्कुल देर ना करके इसको आप डाउनलोड करें। और बेटा ये डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। ये आपकी एप्लीकेशन है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको आपको डाउनलोड करना होगा एंड यू हैव टू सेलेक्ट योर कैटेगरी, ठीक है। बच्चों आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एसएससी एग्जाम्स। और इससे अलग मैं आपको एक बात और बता देता हूँ बेटा, अनअकैडमी प्लस आपको प्रोवाइड कर रही है 20,000 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, ओके बहुत सारे बच्चे यहाँ भी हैं जो आते हैं डेली। तो बेटा फ्री लाइव क्लासेस ये फ्री है, लाइव है, इन क्लासेस को आप जरूर अटेंड करें, ओके। सो अपनी कैटेगरी में जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस हैं उन्हें अटेंड करेंगे। अपार्ट दैट गाइज अनअकैडमी प्लस काम करता है सिर्फ सब्सक्रिप्शन के ऊपर। बेटा सब्सक्रिप्शन क्या है, देखो सब्सक्रिप्शन एक बहुत अच्छी सी चीज़ है। सब्सक्रिप्शन में यह है कि एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अलग अलग फैकल्टीज से पढ़ने के लिए अलग अलग पेमेंट नहीं देनी होती है। बेटा अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग पेमेंट नहीं देनी होती है। आशीष कहते हैं सर मेरी बात सुनो एक बार प्लीज। हाँ बेटा सुनाओ बिल्कुल, यस आशीष बोलो, आपकी बात जरूर सुनेंगे ठीक है। वैभव प्रणाम, प्रणाम कैसे हैं वैभव, हाउ आर यू। सो तो आशीष तब तक आप बात सुनाओ, मैं ये बता देता हूँ। सो गाइज देखो यहाँ 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन होते हैं, लेकिन बेस्ट सब्सक्रिप्शन है। मैं अभी 12th पास की है आर्ट्स का साथ विदाउट मैथ। तो बेटा कोई बात नहीं, आपने 12th पास किया, आप LDC के एग्जाम दे सकते हो आशीष, तो क्यों परेशानी वाली बात है। तो आप 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन बेटा बेस्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में ज्यादा देखो 1 साल से ज्यादा का टाइम बिल्कुल ऐसे ही निकल जाता है प्री मेंस देते देते, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू ऑल, मेरे हिसाब से 24 महीना आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि देखो ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। बेटा कितना 7200 7200 रुपये देने पड़ते हैं 24 महीनों के लिए। और बच्चों 7200 रुपये तो अगर एक बार कोई कोर्स ले लो मैथ स्पेशल इंग्लिश स्पेशल तो अब आपको वही देने पड़ जाते हैं। तो 7200 में बेटा इसके बाद में आपको मेरा रेफरल यूज करना है। मेरा रेफरल कोड है अमित SSC, अमित मेरा नाम है, SSC कैटेगरी होगी आपकी, ठीक है। 10% का मिला बेटा डिस्काउंट, तो आपको कितने में देना, ये मिलता है आपका 6480 में, 6480 में, और जो पड़ता है बेटा 270 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी बात मानते हैं तो आप कभी भी एक ट्रायल ना लें, क्योंकि आप ट्रायल लेते हो बाद में दोबारा रिसब्सक्रिप्शन पे कोई अनअकैडमी बेनिफिट नहीं देती है। तो आप एक ही बार डिसीजन लें और बड़ा डिसीजन लें कि आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लें और तैयारी शुरू करें, और देखो 100% सिलेक्शन होगा। भाई आपको क्या चाहिए आज की डेट में, आपको बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ना है, इन सारे एजुकेटर्स को आप यूट्यूब पे ढूंढो, सब पता चल जाएगा, इनके क्रीडेंशियल जानो कि सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं। हर महीने नए नए कोर्सेज आते हैं, मल्टीपल कोर्सेज आते हैं, जितने कोर्स चाहो उतने कोर्स पढ़ो, जितनी बार चाहो, बिल्कुल लाइव ही पढ़ो, मतलब रिकॉर्डेड क्लास देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज आते हैं तो बेटा हमेशा लाइव ही पढ़ते रहोगे और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। कितने भी क्विजेज सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, एवरीथिंग इज हियर, ओके। सो गाइज अब आप बताओ, बाकी सारी बातें हो गई। तो मैं आपको बता दूं, मुझसे भी पढ़ने के लिए अगर आपको प्लस पे जुड़ना है तो बेटा आपको जुड़ने के लिए एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और अपार्ट दैट आपको मेरा ये रेफरल कोड यूज करना होगा अमित SSC, ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे मेरे कोर्सेज को लेके, ओके। तो आशीष इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल कर सकते हो आशीष। पहली बात तो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है, और मैथ्स अगर नहीं लिया तो इससे कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपको मैथ करना तो पड़ेगा ना सॉल्व। हाँ बेटा ये तो डिपेंड करता है ना आशीष कि आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। सो गाइज आप फटाफट एक बार थम्स अप कर दो और हम शुरू करते हैं, लेट्स क्रैक इट। आज करके दिखाते हैं कितने क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं, ठीक है। आज बेटा लास्ट डे है, लास्ट पेपर आज करा रहे हैं, ठीक है। और आप देखना जो बच्चे नए जुड़े तो वो देखेंगे कि बच्चे ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ हैं जो 25 में से 25 नंबर लेके आते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाओ, बिल्कुल बाद में बता के जाओ कितने मार्क्स आपने सॉल्व किए हैं, ठीक है। हाँ कल वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, वो प्रतीक जो कल डिस्कशन हुआ था छोटा सा उस सेंटेंस में जिसका नेग्लिजेंट मैंने आंसर दिया था, बेटा वो आंसर बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन वो एक छोटी सी मिसिंग थी चीजें, वो नेगेटिव सेंटेंस था, वहां नॉट हमारे टाइपिस्ट ने नहीं लिख के दिया था। तो लेकिन बाकी सब मैंने ग्रामेटिकली इसलिए एलिमिनेट किए थे क्योंकि बाकी विद प्रपोजिशन वहां आते ही नहीं, ठीक है। सो गाइज ऐसी गलतियां कभी कभी टाइपिस्ट की तरफ से हो जाती हैं, तो वो हमें मतलब बियर करनी पड़ती है, ठीक है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि 100% ऐसा ना हो। अभी तक आप देख रहे हो मैंने करीबन 20 के आसपास पेपर आपको डिस्कस कराए, मोर देन 20 पेपर्स, लेकिन इन पेपर्स में बेटा सिर्फ 2 बार ऐसी गलती हुई, एक बार उस दिन हुई तो वो करेक्शन कराया था, एक कल वाला, ठीक है। तो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको गलत मटेरियल ना मिले, ठीक है। बेटा 10th क्लास तक का मैथ तो बेटा बस 10th क्लास तक का ही तो आता है इसमें, ठीक है, इससे ऊपर का तो मैथ भी नहीं आता, ठीक है। सो गाइस दिल से बात यह है कि आपको गलत ना मिले, जो बात है मैंने वो बता दी, ठीक है। हाँ प्रतीक उसमें कल दिक्कत थी, सो मैंने अब उसको करेक्ट कर दिया। आ जाओ आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, पूरी कोशिश की गई है कि आपके लिए कोई भी गड़बड़ ना हो, लेकिन यार देखो आप समझते हो ना कई सारे प्रोसेस होते हैं, किसी को हम कहते हैं टाइप करो, वो टाइप करके पीपीटीज बनाता है, सब कट कॉपी पेस्ट करते हैं, टाइप करते हैं, तो कोई छोटी सी गलती रह सकती है, ठीक है। तो बेटा वही गलती कभी कभी दिक्कत बन जाती है। सर सीजीएल में कौन सी क्लास तक का मैथ्स आता है? आशीष 10th क्लास तक का मैथ आता है, इससे ज्यादा आता ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। गौरव चौधरी गुड इवनिंग। आगे बेटा, मैथ इंग्लिश में या हिंदी में? बेटा दोनों लैंग्वेज में आता है। आशीष क्यों इतने परेशान हो बेटा, एक बार SSC के साइट पढ़ लो, ठीक है। आ जाओ, बता तो दिया दोनों लैंग्वेज में आता है बेटा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपका सबसे सही आंसर क्या होगा? कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, फैसिफाई एंड रिलैक्स, दे कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड क्या होगा? इन्वॉल्व, एनरेज, इनविगोरेट या इंटरेस्ट। बताएं बच्चे क्या आंसर होगा? फर्स्ट का सी आंसर होगा। गाइस एक बार बस सेशन को आप फटाफट शेयर कर दो, जिन बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है वो सब बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। समथिंग लाइक टू एनर्जाइज, बिल्कुल समझो बेटा, दे कैन एनर्जाइज, कॉमा लगा दिया, एक्टिवेट, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, गेटिंग माई पॉइंट बेटा, ये भी एक्टिवेट भी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो यहां भी क्या होगा? एक पॉजिटिव वर्ड ही होगा। अगर मैं देखता हूं एनरिच, बेटे तो हो ही नहीं सकता है, गलत हो गया ना बेटा। एक्टिवेटर इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का तो कोई मतलब ही नहीं आता, इन्वॉल्व माने जुड़ना होता है, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन हम बात करें कि कलर्स क्या करते हैं, ताकत देते हैं, एनर्जाइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो बेटा ये नहीं होगा, गिव स्पिरिट होगा, करेक्ट आंसर इनविगोरेट होगा। अब सुनो, मैं आपको ये बताता हूं कि गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। अब बताएं क्या बेटा, ये स्पेलिंग इनविगोरेट यही होती है ना, ठीक है, एक ई से भी लिखी जाती है इनविगोरेट, लेकिन वो यूके में लिखी जाती है, ठीक है, यूके वाली स्पेलिंग्स भी आती है ना। तो आप अपना एसएससी का पेपर चेक कर लेना इस बार का, यही वाला पेपर आपको कहीं ओरिजिनल मिल जाए, तो बेटा उन्होंने ना ई से इसकी स्पेलिंग दी है, बात समझे, तो ये मैंने करेक्ट कर दिया, क्योंकि आप बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको आई वाला इनविगोरेट पता था, ठीक है। तो बेटा गलतियां सब जगह होती हैं, हर कोई अपनी पूरी कोशिश करता है कि आपको बेस्ट मटेरियल दिया जाए, ठीक है, तो घबराए ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Select the most appropriate meaning to the underlined idiom in the given sentence. The dog played in the pond to his heart's content. बच्चे क्या आंसर होगा बताओ। The dog played in the pond to his heart's content, avoiding getting too wet as much as he wanted to till he was completely sick, only up to his legs. बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। मेरी बात आप समझ गए ना, ठीक है। तो टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इसलिए बच्चों बहुत मतलब ध्यान रखा जाता है, और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आओ करके देखते हैं। एज माई फर्स्ट क्लास सर किसकी तैयारी करा रहे हैं, फ्री है क्या ये? बिल्कुल सही बात है तारा, पहली बात तो ये बिल्कुल फ्री है। और बेटा एसएससी की अगर आप तैयारी करते हो तो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स थे उनका एनालिसिस करा रहे हैं, ठीक है। ये पेपर बेटा हो चुका है प्रीवियस ईयर, उसी का एनालिसिस अब हम करा रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। अब आशीष ये तो बिल्कुल बेटा गलत बात है कि आप कहां से हैं, ठीक है। आज वो बात करते हैं, अ डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हार्ट्स कंटेंट, ठीक है। बेटा हार्ट्स कंटेंट होता है तब तक जब तक वो खुश ना हो गया, सेटिस्फाइड ना हो गया हो। सो अवॉइडिंग गेटिंग टू वेट तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। एज मच एज ही वॉन्टेड टू, जितना वो पसंद करता था इतना, मतलब जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो गया तब तक। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है, बी विल बी द करेक्ट आंसर अमित यादव, गुड। नेक्स्ट आ जाओ। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. बेटा इस पार्ट को आपको बताना है कि is it correct or not. जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। Hello sir, just saw your video in recommendations and came here. I am in second year and targeting UPSC 2023. Any suggestions please? बिना मैं तो कहूँगा आपका टारगेट बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस टारगेट को आप मेंटेन करो, लेकिन अगर आप तैयारी कर सकते हो तो बीच में बेटा एक कोई भी एग्जाम वन डे आप क्रैक कर लो, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा कि आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो विजय मेरा सजेशन तो हर बच्चे के लिए होता है कि यूपीएससी की तैयारी करो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा थोड़ा सा टाइम देके एक आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर दो, चाहे वो LDC हो या आपका यूपीएस ये वाला हो बेटा SSC का CGL, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये कोई बहुत अलग ट्रैक नहीं है। आ जाओ, स्केर्सली होगा, समझो बच्चे, स्केर्सली हैड ही गॉन आउट देन अ क्लाइंट या देन अ क्लाइंट केम टू मीट हिम। बेटा क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। आशीष बहुत अच्छे बेटा, 3 साल है, बहुत बढ़िया से तैयारी करोगे। ही हैड गॉन आउट होगा, ठीक है। और कोई बताएं बच्चे क्या आंसर होगा? सी होगा। करें शुरू, ठीक है। आ जाओ बच्चों, याद तो आ रहा होगा, एक रूल मैं आपको याद दिला देता हूं, शायद आपको भी याद आ जाए, ठीक है। रूल क्या है बेटा ये देख लो। एक वर्ड होता है आपका हार्डली, HARDLY हार्डली, इसी के कनेक्ट होता है SCARCELY स्केर्सली, ठीक है। इन दोनों के बाद प्लस करके क्या लगाते हैं हम? हेड लगाते हैं, हेड के बाद सब्जेक्ट आता है, और बिकॉज ऑफ हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा? थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखा जाता है वो किससे लिखा जाता है बेटा? व्हेन से, या फिर किससे लिखा जाता है? देयर विल बी अ वर्ड बिफोर। आप दोनों में से कोई एक कंजंक्शन यूज कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। और बेटा जब आप क्या लिखते हो? नो सूनर, समझते जाना, नो सूनर। ये क्वेश्चन बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। हेड आएगा, फिर से सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बेटा? थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो नो सूनर के बाद क्या आता है? देयर शुड बी द वर्ड THAN होगा, यहां आप कभी भी THEN नहीं लगा सकते, और बेटा यहां कभी भी आप व्हेन नहीं लगा सकते हो, और यहां कभी भी आप बिफोर नहीं लगा सकते हो। सो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। समझ आ गया? तो एक बार हम सेंटेंस को चेक कर लेते हैं। स्केयर्सली हैड ही गॉन आउट, देन बेटा देन आ रखा है ना, ओके, देयर वी हैव द वर्ड देन, ठीक है, देख लो एक बार क्या लगा दिया बेटा, देन लगा दिया, इस वजह से तो गलत हो गया, ठीक है। तो ही हैड गॉन आउट देन होगा, नो इंप्रूवमेंट होगा, हैड ही गॉन आउट व्हेन, तो बेटा क्या आंसर होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी होगा, ओके। नो सूनर डिड, बेटा यहां अगर आप चेंज कर दोगे डिड, यहां नो सूनर को चेंज कैसे करोगे, क्यों, क्योंकि आप लोग अंडरलाइन पार्ट चेंज करना था, ठीक है। तो गाइज ये ध्यान रखा करो कि चेंज तो अंडरलाइन पार्ट करना है ना, तो ये तो फिक्स हो गया। तो आपने कहा हैड ही गॉन आउट व्हेन, स्केयर्सली के साथ व्हेन आ जाएगा, ठीक, समझ आ गया सबको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बहुत अच्छी बात है आशीष, अगर ज्वाइन कर लिया तो बेटा सही है, पढ़ो वहां पे। दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर बाई हिज ग्रैंड मदर When his parents went abroad, बेटा आपको बताना इसकी करेक्ट एक्टिव फॉर्म क्या होगी, यानी कि ये किस में लिखा गया, पैसिव वॉइस में लिखा गया, तो आपको ये बताना है कि इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होगी। जल्दी से चेक करके बताओ क्या आंसर होगा 4th का। सिंपल पास्ट, बिल्कुल 4th का आंसर बताओ। अभिषेक कहते हैं 4th का, बेटा 4 ही लिखा है आपने, आंसर क्या होगा, अच्छा सी होगा। 2 मैसेज डाले एक साथ, ठीक है गाइस, करो फटाफट करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। डी सिंपल पास्ट, ठीक है। देखते हैं बेटा, हमने कहा वॉज लुक्ड, बात बिल्कुल सीधी सी कि वॉज लुक्ड का जो एक्टिव वॉइस बनेगा वो एक ही बन सकता है, और द आंसर विल बी लुक्ड, ठीक है, बस इतना करना है, ठीक। आज जो लुक देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे वॉज लुकिंग आ गया, कॉन्टिन्यूस बना दिया, ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लुक्स आ गया बेटा, टाइम चेंज, ये आंसर नहीं हो सकता है। और आपने कहा कि यहाँ क्या आ गया बेटा, दिनेश लुक्ड आफ्टर हिज ग्रैंडमदर व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड, तो बेटा यहाँ भी तो लुक आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपने सब्जेक्ट तो चेंज किया नहीं है ना। आपने कहा दिनेश वाज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंडमदर, तो दिनेश ग्रैंडमदर लुक्ड आफ्टर, ठीक है, तो बेटा ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, बिल्कुल डी विल बी द करेक्ट आंसर। अमित यादव, बी तो हो ही नहीं सकता है बेटा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, कैसी बातें कर रहे हो आप, ठीक है। 4th का डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ। गिव बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। बच्चे बताओ 5वें का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से देखो। A man on a bike had to ride, आप जब इसको करेंगे तो आप मुझे ये भी बताएंगे कि इसका परफेक्ट पेयर क्या होगा। ध्यान से सुनो, परफेक्ट पेयर, बेटा परफेक्ट पेयर का मतलब क्या है कि वो कौन से 2 सेंटेंस है जो एक दूसरे के बाद लिखे जाएंगे। A man on a bike had to ride on the pavement when he tried to plunge onto the road. A car hit him as the bus inched through the evening light. The traffic grew. There was no space on the road anymore. बताएं बच्चे क्या आंसर होगा, करो शुरू। CDAB, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आपके हिसाब से CDAB ये आंसर होना चाहिए, है ना, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अगर समझने वाली बात है तो हम देखते हैं, अ मैन ऑन अ बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट, बेटा एक स्टेटमेंट लिखा गया जो बिल्कुल सही हो सकता है, अ मैन ऑन अ बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट, यानी कि 1 से शुरू हो सकता है, ठीक है। हमने कहा ही, बेटा ही की वजह से यहाँ से शुरू नहीं हो सकता है, ओके। एज द बस इज थ्रू द इवनिंग लाइफ द ट्रैफिक ग्रू, ठीक है, तो इसमें भी कोई एज द बस ये एग्जाम्पल दिया गया, तो ये आंसर भी हो सकता है, शुरुआत कर सकता है ना। एंड देयर वाज नो स्पेस ऑन द रोड एनीमोर, अब कोई और नहीं था बेटा, तो कुछ बताया गया होगा जिस वजह से स्पेस नहीं होगा, तो 4 से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें समझ आ रहा है कि शुरू करने की जो कंडीशन है वो या तो सी में या ए में है, ठीक है, तो दोनों में मिला लो। मिला ए में हमने कहा अ मैन ऑन द बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट, देयर वाज नो स्पेस ऑन द रोड एनीमोर, तो बेटा ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये भी हटा दो, ठीक है, बस सी से शुरू कर दो। सी में कहा गया एज द बस इंज थ्रू द इवनिंग लाइफ, ठीक है, द ट्रैफिक ग्रू, ओके, देयर वाज नो स्पेस ऑन द रोड एनीमोर, डी बिल्कुल सही है। अ मैन ऑन अ बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑन टू द रोड, अ कार हिट हिम, बिल्कुल सही बात है। बेटा ए के बाद जो होगा वो बी आएगा, यानी कि ये एकदम कंफर्म्ड है, तो ए के बाद भी यहाँ है, ठीक है, यहां नहीं है, ये नहीं हो सकता, हटा दे। तो करेक्ट आंसर बेटा आपका बी होगा। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी लग रहा है ना, बी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है नंदिनी जोशी, बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बहुत ध्यान से देखा करो। देखो बात यह है कि मैंने कहा ना, यहां टाइम बैरियर नहीं है। पहले सुनो, यहां टाइम कोई बैरियर नहीं है बेटा, यहां सिर्फ हमें सीखना है। ठीक है, अच्छा आशीष, थैंक यू बेटा, आप पहली बार आए हो, आपको कैसे पता चल गया कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं? हाँ बेटा, साइड लाइन वही होता है जो बराबर में होता है, पेवमेंट मतलब होता है वो रास्ता जिसपे लोग पैदल चलते हैं। ठीक है, ईंटों वाला जो रास्ता बनाया जाता है वैसे उसको पर्टिकुलरली पेवमेंट कहते हैं। तो करें शुरू बेटे ये वाला सेंटेंस। अनन्या प्लांट फ्रेश फ्लावर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा एक बार पहले भी एसएससी में आया, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल बेकार क्वालिटी में आया। तब आया था, बहुत अच्छा आया था कि फ्रेश फ्लावर्स थे, फ्लावर्स फ्रेश थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो हम देखते हैं, अनन्या प्लक्स, बेटा प्लक्स है ना। ठीक है, तो आपका सेंटेंस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो आंसर क्या होगा बेटा, इज एम आर के साथ क्या होगा, पी एल यू सी के ई डी, प्लग्ड होगा। बस इतने के साथ करना है, इज एम आर के साथ प्लग्ड होगा। ठीक है, तो बेटा पहले में आर प्लग्ड है, आंसर हो सकता है। ठीक है, इज प्लग्ड है, ये आंसर हो सकता है। हैव की वजह से ये नहीं होगा, वर्क की वजह से ये नहीं होगा। अब देख लो, गार्डन इज प्लग्ड, गार्डन तोड़ा गया या फ्लावर्स तोड़े गए। तो बेटा फ्लावर्स तोड़े गए, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो गार्डन है फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशन। तो बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि प्लग का ऑब्जेक्ट तो कौन हो गया, फ्रेश फ्लावर्स हो गया, ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये होगा, तो इससे पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। गुड गुड गाइज, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बेटा डेफिसिट का अपोजिट क्या होगा, डेफिसिट तो सुना होगा ना वर्ड। ठीक है, डेफिसिट आपको इकोनॉमी में बहुत आता है वर्ड। ठीक है, मनी की टर्म्स में बहुत आता है। ओके, बहुत अच्छी बात है आशीष, वेल डन। तो बच्चे क्वेश्चन है आपका डेफिसिट। डेफिसिट का आंसर क्या होगा, सरप्लस होगा, बहुत ज्यादा, क्रेडिट होगा, पॉजिटिव वर्ड, एंड एडहेयर होगा, चिपक जाना, रिमूव करना। क्या आंसर होगा, कैलोरी सरप्लस, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर आता है। ठीक है, तो करें शुरू बेटा। डेफिसिट क्या होती है, कमी होती है, लैक होती है ना, बिल्कुल सही बात है। तो लैक का बेटा आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। ठीक है, तो सरप्लस इज द करेक्ट आंसर। ये कमी होती है, ये ज्यादा होता है। क्रेडिट मतलब तो जो अमाउंट आपके अकाउंट में आया, लाभ होता है एक तरीके का। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट होगा तो सरप्लस हो जाएगा। एडियर मतलब चिपकना, ये नहीं होगा बेटा, स्टिक टू द रूल्स एंड रिमूव तो हो ही नहीं सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, सेवंथ का। समझ आ गया, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताओ बेटे, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये बताओ, ये इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, अब इसमें कोई टीचर भी क्या कर सकता है बेटा, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बता दो क्या होगा। ठीक है, हाँ, इकोनॉमी में बहुत आती है टर्म, बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमी तो भरी पड़ी है डेफिसिट के साथ में। ठीक, स्क्रैम्बल, ठीक है, बाकी शुरू करें। डी नंदनी, नंदनी एक्सेप्टेंस की एक बार स्पेलिंग बोलना, ACCEPTANC आता है बेटा। ओके, एक बार ट्राई करो। एक्सेप्टेंस में बेटा ए आता है। ठीक है, और ज्वेलरी की स्पेलिंग तो बिल्कुल समझ ही आ रही होगी, डेफिनेशन की स्पेलिंग समझ आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो। देखो जैसे ही लिखते हैं ना विभव, ऐसे करके देख लो। स्क्रैम्बल इज द करेक्ट आंसर बेटा। इसका मतलब क्या होता है, क्लेम बाय यूजिंग हैंड्स। बेटा जल्दी जल्दी किसी चीज के ऊपर, जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना, स्क्रैम्बल करते हैं, बहुत तेजी से चढ़ना। ठीक है, हाँ बेटा आती है इकोनॉमिक। ठीक है, आ जाओ। तो स्क्रैम्बल समझ आ गया आपको, क्लेम बाय यूजिंग हैंड्स, हाथों को यूज करके जल्दी जल्दी से चढ़ना, वो स्क्रैम्बल होता है। ठीक है, आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। बेटा इसमें गलती क्या है, एंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा, स्क्रिबल होता है, मिला जुलाता, बिल्कुल। स्क्रिबल तो एक गेम होता है ना, जहां वर्ड्स को मिला मिला के नए नए वर्ड्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, स्क्रिबल अलग है, मिलता जुलता होता है। बिफोर वी एंटर्ड द हॉल होगा। ठीक है, बी आएगा, डी आएगा। सुनो बच्चों, ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है, वर्ब का क्वेश्चन है ना, वर्ब का। एंड वर्ब में भी कौन सा, अगर हम चेक करें तो ये है आपका यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तब बनता है जब दोनों वर्ब, दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं, जो सब्जेक्ट है उसके लिए दोनों वर्ब मतलब एक ही हो। जैसे द शो हैड स्टार्टेड, बेटा ये शो सब्जेक्ट है ना, अगर इस सब्जेक्ट की ये भी वर्ब सेम होती और यही वर्ब यही सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब भी काम करती तो बेटा ये सही हो जाता। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, ऐसे लिखते हैं ना, बीइंग इंटेलिजेंट ही टॉक्स लाइक एन इडियट। बेटा याद आ गया वाला सेंटेंस, ठीक है, बहुत से बच्चों क्लासरूम में याद आ रहा होगा, बीइंग इंटेलिजेंट ही टॉक्स लाइक एन इडियट, यानी कि समझदार होकर मूर्खों जैसी बात करता है। तो बेटा ही के लिए क्या आ गया, टॉक्स आ गया, बिल्कुल सही है, और ही के लिए क्या आ गया, बीइंग आ गया, यानी कि ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, ये सेंटेंस सही है। लेकिन ये वाला सब्जेक्ट इस वर्ब को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो बेटा हमें इसको अलग करना होगा, यानी कि अभी ये सिंपल सेंटेंस है, हमें इसे कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। तो अपने पास से कंजंक्शन लिख देंगे बेटा, व्हेन या बिफोर, जो भी आप चाहो, ठीक है, व्हेन और सब्जेक्ट अपने पास से कुछ भी लगा दो, वी लगा देते हैं, ठीक है, या आई लगा दो, कोई मतलब नहीं है, ओके। और इसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, एंटर्ड। सो व्हेन वी एंटर्ड द हॉल शो हैड स्टार्टेड, ठीक है, तो एरर किस पार्ट में होगा बेटा, एरर होगा डी पार्ट में। क्वेश्चन समझ आ गया, एरर होगा डी पार्ट में, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सब्जेक्ट को रेफरेंस एक ही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मतलब बेटा पार्टिसिपल का मतलब होता है अगर दोनों सब्जेक्ट, यानी कि एक ही आदमी दो काम करता है, एक सब्जेक्ट अगर दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। When we entered the hall, the show had started. बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होगा कि शो पहले ही शुरू हो गया, हम उसके बाद में एंटर किए, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा ये आपका पैसेज है, एक बार आप इसको पढ़ लो। मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले बेटा रीड इट केयरफुली। आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके इसलिए गलत हो जाते हैं कि आप उसको पूरा नहीं पढ़ते हैं और फिर बाद में आपको याद आता है कि इस वजह से गलती हुई है। रीड इट केयरफुली बेटा, पूरा पढ़ो, ठीक से थीम को समझो, ठीक है। पढ़ने का फायदा होने वाला है हमें, हम इसकी थीम समझ पा रहे हैं कि थीम क्या होगी। बेटा थीम से हमें यह समझ आ जाएगा कि यहाँ जो वर्ड्स फिल करने हैं उनका एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा कि वर्ड्स पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, ठीक है बेटा। वर्ड्स को फिल करने के बाद में नेक्स्ट क्या है आपको, एक तो यहाँ से पता चलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, यानी कि जिस वर्ड को आप फिल कर रहे हो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। और इसके बाद बेटा लास्ट आपका वोकैब होता है, ये आपके पास होती है, कितने वर्ड्स आपको याद है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स है, करो। पास्ट ऑफ पास्ट एंड पास्ट में नहीं रह आता है बेटा, पास्ट ऑफ पास्ट तो पास्ट परफेक्ट होता है ना, तो वहां बिल्कुल सही तो था, हमारे पहुंचने से पहले शो शुरू हो चुका था, यानी कि शो पहले शुरू हुआ, वो पास्ट परफेक्ट था, हम बाद में पहुंचे, वो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। जैसे गौरव ने लिखा है वैसे करेक्ट होगा। चलो करो शुरू। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, ठीक है। 10th का ए आंसर आ रहा है, पंडित जी पहली बार आए हैं शायद, पंडित जी। तो शुरू कर लेते हैं पढ़ के। डस्क सेट्स इन एट द वेरागली, ठीक है। पहले बेटा डस्क पढ़ लो, एक तो DAWN होता है ना, डॉन, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा डस्क, यानी कि शाम का टाइम होता है, ठीक है। और ये जगह है वेरागली, ठीक है। एलिफेंट कैंप डीप विद इन द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है बेटा। हमने कहा इट्स डिनर टाइम फॉर द 25th ईयर ओल्ड टस्कर। बेटा टस्कर कौन होगा, जिसको टस्क होते हैं, यानी कि वो कौन होगा, एलिफेंट, ओके। एंड ही हैज बॉल्स मेड ऑफ अ स्टीम्ड रागी फ्लोर मिक्स, ये इन सबसे बनाया गया था। तो ही हैज के बाद क्या आएगा बेटा, ही के बाद हैज है ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी यहाँ, थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म निकाल लो बेटा, थर्ड फॉर्म है, फीडिंग नहीं होगी, फीड नहीं होगा और फीड्स नहीं होगा। कैसे निकाल लो, अमित यादव, तभी तो कहते हैं कि बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच काम आती है, ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है बेटा। क्यों कहा गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढंग से देखना चाहिए, सेम है, बिल्कुल अमित यादव सेम है, वही बिल्कुल सही बात है। उन्हीं को आइवरी कहते हैं, उन्हीं को टस्क कहते हैं, ठीक है। सर 3 ईयर बहुत हार्ड वर्क करूंगा CGL के लिए, बेस्ट ऑफ लक आशीष, बिल्कुल करो, और 3 साल बाद आप 100% सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो बेटा समझ आ गया ना कि हैज एंड ही इज फेड बॉल्स मेड ऑफ, ही हैज फेड, बेटा ही इज फेड होगा ना, तो ये इज है, ऐसे कर लो, इज है पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, ठीक है। सो ही इज फेड बॉल्स मेड ऑफ स्टीम्ड रागी होगा, समझ आ गया। तो बेटा पैसिव वॉइस आएगा इज है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, समझ आ रहा है ना, होगी थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव वॉइस है, करेक्ट है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आओ बच्चे। तो आपने कहा ही फेड बॉल्स मेड ऑफ स्टीम्ड रागी फ्लोर मिक्सड। मिक्सड क्या होगा बेटा? मिक्सड ऑफ सम राइस, मिक्सड फ्रॉम बाय या विद सम राइस। क्या आंसर होगा? कुछ चावल मिला गए, ग्राम मिला दिए गए, चने, ठीक है, सॉल्ट है एंड जैगरी गुड़ के लिए आता है, ठीक। बताओ क्या आंसर होगा? विद होगा, विद होगा। गुड गाइस, फटाफट आंसर देते जाओ। नंदिनी का भी विद ही है, पंडित जी का डी ही है, ठीक है, और बस अमित यादव कहते हैं बाई, ठीक। बेटा ये जो विद प्रपोजिशन होती है ना बेटा, ये विद आती है किसके लिए? दैट इज फॉर द टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है। कोई भी टूल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई ऑब्जेक्ट है, उन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। तो जब सब कुछ मिलाओगे तो विद विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस विद ही हो सकता है, बाई तो हो ही नहीं सकता है ना, के द्वारा आपने सब कुछ एक साथ मिलाया है, सो विद शुड बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है, विद होगा। आ जाओ। फ्लोर मिक्स्ड विद सम राइस, ग्रीन ग्राम, सॉल्ट एंड जैगरी, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, आर हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अराउंड इंक्लूडिंग वी गणेशन द फील्ड डायरेक्टर। बताएं क्या आंसर होगा बेटा? थर्ड का देयर होगा, हेयर होगा, एवरीवेयर होगा, नो वेयर होगा। विद, ओके, बिल्कुल बेटा विद एकदम करेक्ट है, विद ही होगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका? सारी की सारी बातें देख रहे होगे एलिफेंट से रिलेटेड है। अगर हमने एलिफेंट को ठीक से पढ़ा होता तो हम कम से कम पूरे पेपर में 5-6 पेपर तो इसलिए सॉल्व कर देते कि हमें एलिफेंट का नेचर पता है। इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देयर से स्टार्टिंग होगा, हेयर होगा, देयर होगा, ठीक है बेटा। इसका करेक्ट आंसर देयर ही होगा। यू नीड अ प्रोनाउन, आपको इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन की जरूरत है। यू डोंट नीड इन्वर्जन। अगर आप हेयर से शुरू करोगे तो इन्वर्जन बन जाएगा, एक्सक्लेमेटिव मार्क आएगा, जैसे हेयर कम्स माय फ्रेंड या मेरा फ्रेंड आता है, तो देयर विल बी द बेटा करेक्ट आंसर, ठीक है। देयर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ। तो हमने कहा देयर आर हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। क्या होगा? पर्सन, ऑफिशियल्स, एम्प्लॉय एंड मिनिस्टर्स। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? मतलब इतने आसान पैसेज भी ना कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं। जो बच्चियां लगातार हैं, प्रतीक समझ आ रहे हैं कि अगर सच में ऑप्शंस भी ना दिए हो तो आदमी खुद भी बता देगा कि अब क्या आना चाहिए। एम आई करेक्ट बेटा? समझ पा रहे हो ना कि अगर ऑप्शन ना दिए हो तभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो जैसे बेटा, देखो आपने कहा यहाँ देयर था, ठीक है, आपने सब्जेक्ट लगा दिया, बिल्कुल सही। आर क्या है बेटा? आपकी वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसके लिए सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ सब्जेक्ट होगा। ये कैसा होना चाहिए? प्लूरल, समझ गए। तो बेटा अगर ये प्लूरल होना चाहिए तो ये आंसर नहीं होगा, सिंगुलर है, ये आंसर नहीं होगा। दो तो वैसे ही हट गए, ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो बेटा मिनिस्टर्स क्या करेंगे जंगल में? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफिशियल्स होगा, ठीक। समझ आ रहा है ठीक से? ऑफिशियल्स इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ऑफिशियल्स होगा बेटा। ऑफिशियल जो वहां पे काम करते हैं उन्हीं को आपने स्टाफ्स कहा, ठीक है। ऑफिशियल्स, डिपार्टमेंट ऑफिसर, ऑफिशियल्स होगा। ऑफिशियल अराउंड इंक्लूडिंग वी गणेशन द फील्ड डायरेक्टर एटीआर, फील्ड डायरेक्टर, अमंग एटीआर, बिटवीन एटीआर, ऑन एटीआर, ऑफ एटीआर। करें शुरू? गुड, बहुत बढ़िया। समझ लो बेटा वो कौन था? फील्ड डायरेक्टर था ना एटीआर का, तो ऑफ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कई सारे डायरेक्टर्स थे, दो में से एक वो था, नहीं होगा बेटा। सारों में से वो था, नहीं होगा। ऑन तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि पोजीशन शो करता है ना, यू आर जस्ट होल्डिंग दैट पोजीशन, तो पोजीशन के पोजीशन के लिए क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे, ठीक है। ऑफ इज द करेक्ट आंसर। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत समझ आ रहा है पैसेज। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही करने में? बिल्कुल नहीं हो रही होगी क्योंकि एसएससी ने आपका बहुत ख्याल रखा हुआ है। आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बेटा एट्रीब्यूट, ये वर्ड आपने सुना होगा। ये वर्ड जब हम आपको ग्रामर पढ़ाते हैं तब भी बहुत एट्रीब्यूट बोलते हैं कि ये नाउन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रोनाउन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आपको ग्रामर पढ़ाते टाइम बोला जाता है, एट्रीब्यूट आपने सुना होगा। तो बताओ इसका सिनोनिम क्या होगा, यानी कि जो इसका मतलब है वही आपको बताना है। ठीक है, हाँ देखो जैसे अभी कहा मैंने कि नाउन के एट्रीब्यूट्स हैं, तो नाउन के क्या है बेटा? ऐसे लिख दें, अगर हम ग्रामर के बिहाफ पे बात करें तो नाउन के फंक्शन है, ठीक है। अगर ये नाउन के फंक्शन है तो उसके एट्रीब्यूट है, तो क्या होगा? ये प्रेज तो नहीं होगा, रेस्पेक्ट नहीं होगा, नाउन की क्वालिटी है, स्पीच भी नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, क्वालिटी इज द करेक्ट आंसर। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। सो करेक्ट आंसर शुड बी क्वालिटी। गुड गुड। नेक्स्ट आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंसेज। These glasses suit you. To a tea, said Ria to Vandana. Okay? बेटा ये ऐसा मुहावरा है, आप यकीन माने, जो इस बार बिल्कुल नया आया है, ठीक है? सारे पेपर्स में अकेला ऐसा मुहावरा, दिस इज द लास्ट एग्जाम, कि जो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल न्यू है। इससे पहले ये वाला मुहावरा एसएससीज में नहीं है, ठीक है? कभी आया हो, देखो मैं 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बहुत रेयर है। तो suit you to a tea इज द करेक्ट आंसर, मतलब मुहावरा बिल्कुल फ्रेश। बताओ क्या आंसर होगा? These glasses suit you to a tea। हाँ, लेकिन इस मुहावरे को इन्होंने ऐसे यूज करके दिया है कि आप इसे ब्रेक कर सकते थे। आपने कहा दीज ग्लासेस, ग्लासेस तक समझ आ रहे हैं, सूट भी समझ आ रहे हैं। यू टू आर टी सेड रिया टू वंदना से कहा रिया ने, तो लुक वेरी गुड ऑन योर फेस आंसर हो सकता है। नीड टू बी वॉर्न विद अ सूट, बेटा अब सूट का मतलब सूट थोड़ी होगा, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। आर नॉट सूटेबल फॉर योर वर्क, ठीक है, और या मेक यू लुक वियर्ड, बेटा आप कुछ भी लगा लो तो ये आंसर नहीं होते, ये पॉजिटिव वर्ड है। करेक्ट आंसर होगा लुक वेरी गुड ऑन योर फेस। तो मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, जिसे आप कहीं अपने पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं, इसे नोट कर लो, नया क्वेश्चन है, नया मुहावरा है, ठीक है? आ जाओ आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, वेरी गुड ऑन फेस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, the part of country's government responsible for its legal system। बेटा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, द पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम। बेटा वो जो होता है ना, जो लीगल सिस्टम की बात करते हैं, वो कौन होते हैं, ठीक है? आंसर दो। हाँ बेटा सिनोनिम होते हैं एडमायर और प्रेज। हाँ डी आंसर होगा, बी आंसर होगा। नंदनी डी का मतलब आपने कभी पढ़ा नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं पढ़ा है, जजमेंट। बेटा लेजिस्लेचर असेंबली ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है, ये होते हैं। बेटा तो ये होते हैं पीपल हु हैव द पावर टू अमेंड लॉ, जो लॉ को बदलने की, अमेंड करने की पावर रखते हैं, ठीक है? तो लेजिस्लेचर थोड़ी होगा, जुडिशरी होगा। बेटा जुडिशरी सिस्टम लीगल सिस्टम ही तो होता है। अ पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, लीगल जुडिशरी, ओके? क्या बात है गौरव, बहुत अच्छी बात है, गोलगप्पे बने बेटा खाओ, बहुत बढ़िया। एग्जीक्यूटिव पुलिस नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। In ancient Greece, women were not allowed to in the Olympic Games। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा, ठीक है? चाचा विधायक हैं हमारे, ठीक है। हाँ बेटा जुडिशरी लॉ से तो रिलेटेड होता है, कोर्ट और वो जो लॉ है उसको तो जुडिशरी सिस्टम कहा जाता है। ऐसे नहीं सुना आपने, यू हैव टू बिलीव इन आवर जुडिशरी सिस्टम, तुम्हें हमारे नियम के अंदर जो हमारा लॉ है उसमें विश्वास होना चाहिए, ठीक है? हाँ बी आंसर होगा। देखो जो कल वाला क्वेश्चन था ना बच्चों, वो भी ऐसे ही फंसा था, ठीक है, लेकिन यहां सही लिखा गया, उसमें थोड़ा सा नॉट मिसिंग था। अरे यार, इन एंशिएंट ग्रीस वीमेन वर नॉट, ठीक है, अलाउड टू इन द ओलंपिक गेम्स। सुनो बेटा कॉलाइड क्या होता है, कॉलाइड के साथ में विद आता है, कॉलाइड विद समथिंग, ठीक है, ये तो आंसर नहीं होगा, समझे? कोप अप करना होता है ना, ये आंसर नहीं होगा, ठीक। और ये जो होता है कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई बाई लगाते हैं ना, कॉम्प्लाई, हाँ बाई या टू ऐसे करके प्रपोजिशन आती है, तो बेटा कंपीट इन ही तो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो कहने का मतलब यह कि कल भी ऐसा ही था, उस वर्ड्स में प्रपोजिशन नहीं आ रही थी, ठीक है? लॉकडाउन में वो तो नहीं थे। आ जाओ नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बेटा इसका आपको अपोजिट बताना है, इल्यूमिनेट का। एक बात चलो इसका रूट वर्ड बता देंगे, कॉलाइड माने टकराना, बेटा कॉलाइड कर जाना, ठीक है, दिस इज स्ट्राइक करना, बिल्कुल सही तो लिखे हो, ठीक है। इल्यूमिनेट का करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या बताना है बेटा? अपोजिट बताना है, ठीक है, एंटो प्रकाशित करना, अपोजिट है, ठीक है। सुनो बेटा इसमें एक वर्ड आ रहा है LUM, आ रहा है ना लम, ठीक है, ये जो है एक रूट वर्ड है, और ये किसके लिए आता है? दैट इज फॉर लाइट के लिए आता है। अब याद आ जाएगा, जैसे इल्यूमिनेट जगमगा देना, ल्यूमिनस, आपने इन्वर्टर का नाम सुना होगा ना, ल्यूमिनस, तो ल्यूमिनस मतलब चमक होती है, ठीक है। तो जहां भी LUM आ जाए बेटा रूट वर्ड होगा किसके लिए? लाइट के लिए। तो देख लो, अब जब ये लाइट की बात कर रहा है तो बेटा लाइट का अपोजिट क्या होगा? LIGHT। इसका मतलब ऐड तो नहीं होगा, इरेज नहीं होगा, लाइट सिनोनिम हो गया, डार्कन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? डार्कन इज द करेक्ट आंसर। गुड गाइज, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। इस सेंटेंस में आपको यह बताना है कि ग्रामर की गलती क्या है। आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, शी सेड। आप चाहते हैं करना, ठीक है, तो बेटा सीखो कमेंट्री, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हो। सर लाइट एंड लाइट, LITE, बेटा डिलाइट का सिनोनिम होता है बेटा LITE, नहीं याद आ रहा है बेटा, ठीक है। इलीट होता है चमका हुआ, ठीक है। नहीं भाई वैभव, तुम्हें तो दिल पे ले लिया भाई, टिकट लिटरली, ठीक है, LITER LY, आई हैव डन, ठीक। सुनो बेटा, बिल्कुल सीधी सी बात है, आई के साथ हमने डन लगा दिया, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ आप डन लगा रहे हो, तो ये डन क्या है बेटा? ये तो आपका पास्ट पार्टिसिपल है ना, और कभी भी पास्ट पार्टिसिपल से टेंस नहीं बनता है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल से कभी भी टेंस नहीं बनता, तो बेटा ये बिल्कुल गलत है। तो आपको कैसे करना होगा, या तो आप ऐसे कर लो, इसको आई डिड लिख दो, ये तभी भी सही हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको आप आई हैव डन लिख दो, जैसे चाहो वैसे कर लो। करने के लिए आप और भी कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि गलती पता चल गई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना शी साइड से कि पास्ट के साथ पास्ट होगा, तो वॉट एवर यू वांट आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको आपको बस करेक्ट करना है, ठीक है। वर्क टुडे, बेटा अलॉट ऑफ वर्क टुडे, उसमें क्या दिक्कत है अमित? वो तो बिल्कुल सही है बेटा, अलॉट ऑफ के बाद में वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, टुडे आपका एडवर्ब होगा, तो सही है, बिल्कुल आगे आ जाओ। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बेटा इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है, मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, ऐसे ही कहा जा सकता है इसके लिए कि सबसे खतरनाक क्वेश्चन अब तक का। जल्दी बताओ बेटा क्या होगा। बेटा अलॉट, अमित ये जो अलॉट होता है ना बेटा, इसके बाद में अलॉट ऑफ के बाद में नाउन दो तरीके का आता है, या तो कौन सा नाउन आता है अनकाउंटेबल, और या फिर कौन सा नाउन आता है बेटा प्लूरल, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। या तो आप अलॉट ऑफ वाटर कहेंगे या फिर अलॉट ऑफ बॉयज कहेंगे, ठीक है, अलॉट ऑफ बॉय नहीं होगा, ठीक है, तो सही में खतरनाक है ना क्वेश्चन। आ जाओ बच्चों, चूज इज द करेक्ट आंसर, मतलब कैसे बनाया होगा है, सोचने की बात है ना कि जिसने पेपर सेट किया होगा उसने कैसे बनाया होगा, ये जिसने टाइप करा होगा वो भी कंफ्यूज हो गया होगा कि क्या लिखूं यहां, ठीक है। आ जाओ, ये तो देख नहीं रहे हो कितना बढ़िया लिखा, चूज, सही तो है, चूज करेक्ट स्पेलिंग। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट पे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, बेटा फ्यूज का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है, फ्यूज का सिनोनिम बताना है। जहर क्वेश्चन, ठीक है आनंद, मैं यही कहना चाह रहा था, मुझे भी देख के जहर ही लगा, मैंने कहा जहर है ये तो क्वेश्चन तो नहीं है। फ्यूज को तोड़ने एक्सेट्रा के सेंस में आता है, तो कंबाइन सही है, बहुत अच्छे बेटा। तो ये सिनोनिम पूछ रहे हैं, अगर तोड़ना है तो, अच्छा तोड़ने के सेंस में आता है इसलिए कंबाइन सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अपोजिट बता दिया। बेटा फ्यूज तोड़ने के काम आता है या फ्यूज जोड़ने के काम आता है? डिफ्यूज करना अलग होता है ना बेटा, फ्यूज लगाते हैं ना, वहां पे कहते हैं ना कि फ्यूज लगा दो, तो फ्यूज उड़ गया, तो फ्यूज क्या होता है बेटा? फ्यूज तो कनेक्शन देता है ना, कनेक्ट करता है। अब समझ आ रहा है विभव, आपने भी पता नहीं कैसे निकाल दिया आंसर। कंबाइन विल बी द करेक्ट आंसर बेटा, समझ गए, फ्यूज लगाते हैं ना, कहते हैं लाइट में फ्यूज उड़ गया, तो फ्यूज लगा दो यानी कि उसको जोड़ दो आपस में, ठीक है, तो जोड़ने के काम आता है, तो कंबाइन होगा ना सिनोनिम। आपने पता नहीं कैसे बना दिया आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, select the word which means the same as the group of words given, an instrument for measuring the atmospheric pressure, ठीक है, again बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन। बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर, जल्दी से बताओ क्या होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, थर्मोमीटर तो थर्मल रिलेटेड टू टेम्परेचर है, बोरोमीटर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक, इसको चेक करने के लिए, ठीक है, और ऑल्टीमीटर किसके लिए बेटा, ऑल्टीट्यूड चेक करने के लिए, ठीक है, और एमीमीटर दैट इज फॉर द CURRENT करंट का फ्लो चेक करने के लिए, ठीक है, सारे हो गए। सो बोरोमीटर जो दिया था वो बड़ा आसान था। नेक्स्ट आ जाओ, select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. An old misunderstanding exists among the two families, so they are not friendly anymore. हाँ बेटा, हाइट एल्टीट्यूड चेक करने के लिए ना कि किस एल्टीट्यूड पे चीजें हैं, बिल्कुल वही मैंने बताए हैं। दो के लिए, ठीक है, ठीक है, आ जाओ बच्चे। एन ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट अमंग द टू फैमिलीज, ठीक है बेटा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो बिल्कुल सही थी ना, लेकिन जो अमंग है कितनों के लिए आता है, ये तो सही बात है, मोर देन टू के लिए आता है, मोर देन टू, और वो भी अनसर्टेन नंबर के लिए, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, मोर देन टू अनसर्टेन नंबर, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बिटवीन द टू फैमिलीज, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिटवीन आ गया ना यहाँ पे, विदिन तो नहीं होगा ना, अमंग है ही अगर, नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट बताओ, गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ओके, अगेन क्या आपको बताना है, देयर शुड बी परफेक्ट पेयर, आपको ये भी बताना है कि इसका करेक्ट या परफेक्ट पेयर क्या होगा। अंकुर खोबा बेटा, मैं आपका भी पढ़ता हूं, मैंने आपने जब पहले आंसर दिया था तो कहा था, तो अंकुर का आंसर सही है, मेल्स के डिस्कशन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, BDCA होगा, ऐसा नहीं है अंकुर, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, 24 का A है आपका, ठीक है, सारे बच्चे अपने ये यार, ऐसे थोड़ी होगा कि नहीं आपका नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है अंकुर, आ जाओ बताओ बेटा क्या आंसर होगा। वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन, यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर अकाउंट एंड सेव टाइम एंड मनी, opening a bank account can seem intimidating, okay, intimidating, getting your account opened is just a matter of providing certain details and finding your account. Fortunately, most banks follow a standardized process. BD होगा, CA होगा, ठीक है अभिषेक, बहुत बढ़िया, अनंत का D आंसर है, D आंसर है, ज्यादातर बच्चों का तो D आंसर आ रहा है, ठीक है, चलो मिला के देखते हैं, तो डी है, तो यानी कि आपने बी से शुरू किया होगा, ठीक, सी ए। वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन, यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर अकाउंट एंड सेव टाइम एंड मनी, ठीक है, एक बार फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए तुम अपना टाइम बचा सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। बी में कहा गया बेटा, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन सीम इंटीमिडिएटिंग, ठीक है, गेटिंग योर अकाउंट सही है, तो ओपनिंग अ बैंक की बात कर रहे हैं तो बी से शुरुआत होना चाहिए, तो बी के बाद क्या होगा बेटा, या तो डी होगा या फिर बी के बाद ए होगा, तो देखें, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन सीम इंटीमीडिएटिंग, ठीक है, फॉर्चुनेटली मोस्ट बैंक्स फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसेस, और ए में क्या है, वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन, ठीक है, तो सही बात है बेटा, बी के बाद डी होगा, क्योंकि जब ये होगा तो क्या होगा, सारे के सारे बैंक सेम ही प्रोसेस फॉलो करते हैं, एंड गेटिंग योर अकाउंट ओपन इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड फाइंडिंग योर अकाउंट, और लास्ट है बेटा, वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन, ये तो सबसे लास्ट स्टेटमेंट है कि सब कुछ हो जाए, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, वेल डन गाइस, डी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, डी होगा, ठीक है। अब मैं पढ़ देता हूं, नंदिनी का डी है, बिल्कुल सही आंसर, प्रतीक का डी है, भारती का डी है, ठीक है, अनंत गिरी डी है, अभिषेक का डी है, गौरव चौधरी का डी है, ठीक है। अंकुर खोबा आपका आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, विभव ठाकुर 25 आउट ऑफ 25, बहुत बढ़िया, अभिषेक के 19 है 20 में से, अनंत गिरी के 23 है। गाइज बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप किस लेवल पे हो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, ठीक है गाइज। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस पे, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके लिए मेरा रेफरल यूज करना होगा, अमित SSC, ठीक है, तो बेटा अमित मेरा नाम है, एसएससी में आपकी कैटेगरी होगी, तो अमित एसएससी होगा, ठीक है। सो गाइज ये हुआ आज का पेपर डिस्कशन और थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। ये आपका अपना चैनल है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स, इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ओके गाइज। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स के नाम के, उसे ज्वाइन कर लेंगे, दैट्स व्हाई यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस देयर आल्सो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अमित एसएससी जरूर याद रखेंगे क्योंकि इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, कम से कम जो डिस्काउंट मिलता है वो बातें हमें याद कर लेनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स।